तो भाई लोगों, आज हम डीमन स्लेयर की बात करने वाले हैं और डीमन स्लेयर में सबसे सैड बैक स्टोरीज की बात करने वाले हैं। तो आज मैं 3 बैक स्टोरीज कवर करने वाला हूं। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो भाई इस पे कम से कम 200 लाइक्स दे देना, उसके बाद हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम हाशिरा की बात करें तो हम बात करेंगे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा के बारे में, जो कि है स्टोन हाशिरा, जिसका नाम है ग्यूमी। हम ग्यूमी की बैक स्टोरी जानने वाले हैं, क्योंकि भाई मुझे सुन के ग्यूमी की स्टोरी काफी ज्यादा सैड लगी। क्योंकि ग्यूमी जो है बचपन से ही अंधा पैदा हुआ था, और ग्यूमी जिस कबीले में पैदा हुआ था उसका नाम था हिमेजीमा कबीला, जिसमें कि भाई वो बचपन से ही अंधा था। फिर भी भाई उस बंदे में बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसको इस बारे में पहले से ही पता नहीं था। कुछ कारणों से उसे अपना कबीला भी छोड़ना पड़ा था और उसके लोगों को भी उसे खोना पड़ा था। उसके बाद से ही वो एक ऑर्फन में 9 बच्चों के साथ रहा करता था, और उन्हीं के साथ वहां पे उसका पालन पोषण हुआ था, यानी वहीं पे वो रहता था और वहीं पे उन बच्चों के साथ खेलता था। और वो सारे बच्चे भी ग्यूमी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। ग्यूमी शुरुआत से ही इतना अच्छा था कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता था उन बच्चों को खिलाने के लिए, और साथ में कभी कभी खुद भी बहुत कम खाता था सिर्फ उन बच्चों की वजह से। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जो कि उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। एक दिन वहीं पे, यानी कि उस टेंपल में जहां पे वो रहता था, यानी कि उस अनाथालय में, वहीं पे एक दिन हमला हो जाता है डीमंस का। इस चीज से बचने के लिए ही ग्यूमी हमेशा विस्ट्रिया नाम की धूप जलाया करता था, ताकि वो राक्षसों को अपने टेंपल से दूर रख सके। लेकिन आखिर वहां पे डीमन पहुंचे कैसे? तो एक दिन एक बच्चा उस टेंपल से बाहर निकल जाता है रात को, जहां पे उसे बाहर एक डीमन मिल जाता है, जिसके बाद वो डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ना खाए। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो वो उसे और बच्चों के पास ले जाएगा जो कि वो उनको खा सके, और यहीं पे उनकी डील होती है। जिसके बाद भाई वो बच्चा विस्टोरिया नाम की जो धूप जलाई जाती थी उसको बंद कर देता है, ताकि वो राक्षस वहां पे आ सके उन बच्चों को सेंस करके। और उस रात कुछ ऐसा ही होता है, वो राक्षस वहां पे, यानी कि डीमंस वहां पे हमला कर देते हैं, और इस कंडीशन में वहां पे भागदड़ मच जाती है। सारे बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं और ग्यूमी कुछ भी नहीं कर पाता है। वो एक जगह खड़े हो जाता है और वहां से कुछ भी नहीं कर पाता है। एक एक करके डीमंस सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन तभी एक बच्ची आके ग्यूमी के पीछे छुप जाती है। ग्यूमी बस यही सोच लेता है कि उसे किसी भी तरीके से इस बच्ची को तो बचाना ही है, और उसके बाद वो उस डीमन को भी भाई साहब खत्म कर देता है, और वो उससे सुबह तक लड़ाई करता रहता है। और जैसे ही सुबह होती है वो डीमन वहां से वेपराइज हो जाता है, जिसके बाद ग्यूमी को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाता है। और जब सभी लोग वहां पे पहुंच के बच्ची से पूछते हैं कि आखिर इन सब बच्चों को किसने मारा, तो बच्ची डर के मारे सिर्फ इतना कहती है कि उसने सबको मार डाला और वो एक राक्षस है। जिसके बाद सभी लोग सोचते हैं कि ग्यूमी ने ही उन सभी बच्चों को वहां पे मार दिया है, जिसके बाद ग्यूमी को जेल में भी डाल दिया जाता है। सिर्फ जेल में ही नहीं, उसको फांसी की सजा भी वहां पे सुना दी जाती है, लेकिन उसको कगाया उस सजा से बचा लेते हैं और उसको जेल से ही बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद उसका एकमात्र गोल होता है डीमन स्लेयर बनना और सभी डीमंस को खत्म करना। लेकिन जब वो मरने वाला होता है तभी उसको रियलाइज होता है कि ये सभी बच्चे जो भाग रहे थे वो भाग नहीं रहे थे, वो किसी भी तरीके से ग्यूमी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो जानते थे कि ग्यूमी ब्लाइंड है, तो वो उसको बचाने के लिए ही इधर से उधर भाग रहे थे, ताकि जो डीमन है उसका ध्यान ग्यूमी से भटक सके। इसके बाद ग्यूमी को भी रियलाइज हो जाता है और उसके बाद वो आराम से अपनी दुनिया में जा पाता है। नेक्स्ट हाशिरा की अगर हम बात करें तो वो आता है ओबोनाई, यानी कि हमारा स्नेक हाशिरा। तो ओबोनाई एक थीव्स, यानी कि चोरों के क्लैन में पैदा हुआ था, और भाई साहब वो इकलौता ऐसा लड़का था जो कि काफी सालों बाद उस फैमिली में पैदा हुआ था, और उसकी फैमिली एक डीमन की पूजा करती थी। और इसके अलावा बचपन से ही ओबोनाई काफी डिफरेंट पैदा हुआ था, जैसे कि हम देख भी पाते हैं उसकी दोनों आंखों का कलर अलग है और एक आंख से वो ब्लाइंड भी है। जैसे ही वो पैदा होता है उसको एक कारागार में, यानी कि एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पे उस पर काफी सारा खाना भी उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट भी होता है, और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसकी फैमिली ही उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन जैसे ही वो 12 साल का होता है उसकी फैमिली उसको बाहर निकालती है डीमन को सौंपने के लिए, और वो सभी लोग उस डीमन की पूजा इसलिए किया करते थे क्योंकि डीमन लोगों को मार दिया करता था, और उनका जो भी सोना चांदी या जो भी उनके पास हुआ करता था वो सब इन लोगों को लाके दिया करता था, और ये लोग उनको पैदा हुए बच्चों को, यानी अपने बच्चों को फीड कराया करते थे। जैसे ही वो ओबोनाई को उस डीमन के पास ले जाते हैं फीड कराने के लिए, तो वो डीमन मना कर देता है। वो कहता है कि इसको और बड़ा होने दो, और इसके साथ साथ इसका जो फेस है उसको मेरे फेस जैसा बना दो, जिसके बाद उसकी ही फैमिली उसका फेस कट कर देती है, और उसका जो फेस से निकलता हुआ ब्लड है वो उस डीमन को पिला देते हैं।
यहीं से ओबुनाई को फिर से उस लॉकअप में कैद कर देते हैं, जिसके बाद वो एक हेयर पिन के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे वहां से निकल भी जाता है उसको खोल के, और अपने सांप को जो कि उसके साथ बचपन से ही था, तुमने भी उसके इस व्हाइट सांप को देखा ही होगा जो हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन जैसे वो वहां से भाग रहा होता है वो डीमन उसको देख लेता है और डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तभी वहां पे रेंगोकू के फादर आते हैं, यानी कि हमारे फ्लेम आशीरा के फादर, और वो उस डीमन को मार के उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद ओबुनाई वहां से स्टार्टिंग से ही ये सोच लेता है कि अब वो डीमन स्लेयर बनेगा और जो उसके माथे पे एक कलंक है उसकी फैमिली की वजह से वो उसको मिटा के रहेगा, इसलिए हमेशा वो मरने के लिए भी रेडी रहता है। और जो पट्टी अपने मुंह पे बांधता है उसका रीजन भी यही है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसका पूरा फेस कट कर दिया था, जिसकी वजह से अपने फेस को उस पट्टी के जरिए ढक के ही रखता है। तो हमने यहाँ पे दो डीमन स्लेयर्स की तो बात कर ली है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डीमन की। इस डीमन की बैक स्टोरी यार बहुत ही ज्यादा सैड मुझे लगी थी, और लिटरली जब ये स्टोरी चल रही थी भाई मुझे भी एक टाइम पे रोना आ गया था। और इसी बंदे की फाइट में सबसे बेस्ट फाइट हमको देखने को मिली थी डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में, मैं बात कर रहा हूँ ग्यूतारो की। ग्यूतारो की काफी ज्यादा सैड स्टोरी क्योंकि वो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है और बचपन से ही काफी ज्यादा सिक होता है, जिसकी वजह से उसी की माँ काफी बार उसको मारने की कोशिश करती। बचपन से भी काफी ज्यादा डिसफिगर उसका फेस था और वो दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो 24 घंटा गंदा भी रहता था और उसमें से स्मेल आती थी, जिसकी वजह से और भी लोग उसे काफी ज्यादा हेट करते थे, उस पर पत्थर मारा करते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था। इवन उसकी माँ कई बार ट्राई करती है बड़े होने के बाद भी उसको मारने की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। सिर्फ एक उसकी सिस्टर ही थी जो कि उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसको प्रोटेक्ट भी किया करती थी। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी मदर भी एक बीमारी की वजह से मर जाती है, के बाद वो डिसाइड करता है अपनी लंबी हाइट और अपनी ताकत की वजह से कि अब वो यहाँ पे लोगों से पैसा कलेक्ट किया करेगा, यानी जिन लोगों ने ये पैसा लिया हुआ है उनसे उनका पैसा लेकर वो दूसरों को देगा। कि यहाँ से डीमन बनने की स्टोरी स्टार्ट होती, क्योंकि एक दिन एक समुराय उसकी बहन को स्टैप कर देता है। उस समय वहाँ पे ग्यूतारो अवेलेबल नहीं होता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिर्फ उसकी बहन को स्टैप करके नहीं उसको जलाने की भी कोशिश की जाती है। जब ग्यूतारो अपनी बहन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा सहम जाता है क्योंकि उसकी बहन की बॉडी आधी जली होती है, उसको स्टैप किया होता है और फिर भी वहां पे जिंदा होती है। वो बहुत कोशिश करता है हेल्प की लेकिन कोई भी उसकी हेल्प वहां पे नहीं करता है, और वो हेल्प मांगते मांगते ही पूरी डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा होता है, जिसके बाद वो बेहोश होके वहां पे गिर जाता है और वहीं पे मिलता है उसको हमारा अपर मून सिक्स यानी कि डोमा, जो कि उसको ऑफर करता है डीमन बनने की, और उसके बाद वो उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन तो बनता ही है और उसके साथ साथ अपनी बहन का बदला भी लेता है, और हमें डीमन स्लेयर की सबसे बेस्ट फाइट भी यहीं पे देखने को मिलती है। बाकी हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आशीराज के बारे में और डीमन्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक।